हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्सचेंज सर्वर 2010 में मेलबॉक्स सर्वर में मेलबॉक्स की एक और प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन। तो आपको नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कुछ ऐसी ऑप्शन होगी जिससे मैसेज के साइज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस ऑप्शन को यूज करके आप यूजर के मेलबॉक्सेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि वो किस साइज का मैसेज सेंड या रिसीव कर सकता है। मान लीजिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि कोई भी यूजर 20 MB से ज्यादा का मैसेज रिसीव ना कर सके, तो आप उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर एक्सचेंज सर्वर 2010 के मेल बॉक्स पे मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड होगा, तो एक्सचेंज सर्वर मैसेज साइज को एज अ सम ऑफ मैसेज बॉडी, यानी कि जो एक्चुअल मैसेज होगा उसका, प्लस अटैचमेंट को जोड़ के जो भी सम बनेगा उसे एक्चुअल मैसेज साइज मानेगा। तो आप ध्यान से सोच समझ के मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई कीजिए अपने मेल बॉक्सेस के ऊपर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसे जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर। एक्सचेंज सर्वर 2010 में आके मैं उस सर्वर पे आ गया जिसके ऊपर मैंने मेलबॉक्स सर्वर को डिप्लॉय किया हुआ है, और यहाँ पे एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस को एक्सपेंड करके, रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड करके मैंने मेलबॉक्स को क्लिक किया, और यहाँ पे जितने भी मेलबॉक्सेस मेरे एक्सचेंज एनवायरमेंट में मेरे यूजर्स के लिए क्रिएटेड हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इनमें से किसी भी एक यूजर को हम सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके इस मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखिए, डबल क्लिक करके मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की, और यहाँ पे एक टैब है मेल फ्लो सेटिंग्स, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें से एक ऑप्शन है मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन। हम मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन को डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप अनूप नाम के यूजर के लिए मैसेज साइज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसका सेंडिंग मैसेज साइज जो मैक्सिमम हो वो 10 KB हो। वैसे 10 KB साइज हम नहीं देते हैं क्योंकि हम इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको बहुत छोटा सा साइज दिया है ताकि एक एरर जब वो मैसेज रिसीव या सेंड करे उस केस में आ जाए। तो हम इसके ऊपर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये मैसेज तो किसी भी साइज का रिसीव कर ले, लेकिन मैसेज 10 KB से ज्यादा का सेंड ना कर पाए। इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद ओके बटन को क्लिक करते हैं, और उसके बाद अगेन ओके को क्लिक करते देते हैं। तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं क्लाइंट साइट्स पे जाके। तो मैं यहाँ पे भी वेब ब्राउजर ओपन करके और OWA के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया था, ये चेक कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो क्लाइंट एंड पे जाके भी अलग अलग वेब ब्राउजर्स के थ्रू अपने सर्वर को एक्सेस करके ये कॉन्फ़िगरेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी सर्वर के ऊपर बैठा हूँ और यहाँ से ही दो वेब ब्राउजर्स ओपन कर लेता हूँ, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसमें मैं एड्रेस टाइप करता हूँ https://ex1.king.jst, जो मेरे डोमेन का नाम भी है और इस सर्वर का FQDN भी है, और उसके साथ /OWA, और एंटर प्रेस करता हूँ। अगेन सर्टिफिकेट एरर आ रहा है, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम अनूप यूजर से लॉगिन करते हैं उसका नेम एंटर करके और उसका पासवर्ड एंटर करके। तो अनूप यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है, तो इसे लैंग्वेज सेटिंग्स और टाइम जोन के बारे में कन्फर्मेशन कर रहा है। हम ओके को प्रेस करते हैं और हम अनूप से लॉगिन कर गए हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए मैंने दो फाइल्स बना रखी हैं पेंट में, मैं जरा दिखा दूं। मैंने डेस्कटॉप पे ये दो फाइल सेव कर रखी हैं, और दोनों का अगर हम साइज मिला के देखें तो मोर देन 10 KB है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 16 KB के आसपास आपको साइज ऑन डिस्क बता रहा है, जबकि एक्चुअल साइज अप्रोक्सीमेटली 12 KB है और इट इज मोर देन 10 KB। तो हम इन दोनों फाइल्स को सेंड करने की कोशिश करते हैं अनूप के मेल बॉक्स से, जिसके ऊपर हमने मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसके लिए मैं न्यू बटन को क्लिक करता हूँ नया मैसेज सेंड करने के लिए। एक यूजर का नाम लिखता हूँ, एक यूजर आ रहा है परम, और उसके बाद कुछ भी हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, मान लीजिए टेस्ट मैसेज, और अटैचमेंट ऐड करते हैं ब्राउज करके। तो मैंने अभी आपको बताया दो फाइल्स हैं हमारी डेस्कटॉप पे, टेस्ट और टेस्ट टू को हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए दोनों फाइल्स आ गई और दोनों का साइज 6 KB 6 KB दिखा रहा है। और अब हम इस मैसेज को सेंड करते हैं, और इनबॉक्स में मेरे को दिखा रहा है एक मैसेज। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है द मैसेज साइज कुडंट बी डिलीवर्ड टू एनीवन बिकॉज इट्स टू लार्ज, द लिमिट इज 10 KB, दिस मैसेज इज 17 KB। तो क्योंकि हमने मैसेज को सेंड करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो ये मैसेज को सेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने इसको रिसीव करने के ऊपर कोई मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो ये मोर देन 10 KB का मैसेज रिसीव कर पाएगा।
तो इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैं दूसरा वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ, यानी कि अपना फायरफॉक्स, और यहाँ से अगेन अपने सर्वर का FQDN देता हूँ या उसका खुद का IP एड्रेस डाल के भी उसके साथ /OWA लिख सकता हूँ, और यहाँ पे दूसरे यूजर से किसी से लॉगिन करता हूँ, मान लीजिए परम से, और साइन इन करता हूँ। लगता है पासवर्ड गलत हो गया, तो दोबारा से, तो देखिए लॉगिन कर गया। पहले का आया हुआ मैसेज आपके सामने है, एक नया मैसेज भेजते हैं इस बार अनूप को। तो एड्रेस में लिखा हमने अनूप, चेक नेम्स कर लेते हैं, तो यस अनूप दास रिजॉल्व हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट लाइन फर्स्ट मैसेज, और इसको भी हम अटैचमेंट इसके साथ ऐड करते हैं ब्राउज करके, क्योंकि ये सेम कंप्यूटर है लेकिन वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट दो अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो मैं पहले टेस्ट को ऐड करता हूँ, उसके बाद एक फाइल यहाँ से और ऐड कर लेता हूँ जो कि है हमारी test2, और ओपन करता हूँ और दोनों फाइल्स को एक ही बार में अटैच कर लेता हूँ, तो दोनों फाइल्स आपको दिख रहा है। सेंड करते हैं, तो देखिए मैसेज सेंड हो गया है, और जाके अब जरा टेस्ट करते हैं इसको अपने दूसरे वेब ब्राउजर में, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो देखिए यहाँ अनूप जी को एक मैसेज आ गया है, फर्स्ट मैसेज, जिसमें दोनों के दोनों अटैचमेंट अटैच्ड हैं और इनका साइज मोर देन 10 KB है। तो इसका कारण यही है कि हमने जो अनूप दास पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो रिस्ट्रिक्शन केवल सेंडिंग मैसेज साइज पे है, ना कि रिसीविंग मैसेज साइज पे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने यूजर मेल बॉक्सेस के ऊपर मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।